अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बड़े बुज़ुर्गों के बताए कुछ आसान घरेलू उपाय समय निकालकर ज़रूर सुने, बहुत काम आएंगे। नंबर एक, अगर आप चाहते हैं जल्दी बुढ़ापा ना आए तो खाने में पिसी हुई अदरक का इस्तेमाल ज़रूर करें। नंबर दो, दिन भर की थकावट दूर करने के लिए गर्म पानी में छोटी इलायची डालकर पी लिया करें, थकान एकदम ख़त्म हो जाएगी। टिप नंबर तीन, थोड़े से पानी के अंदर सिरका मिलाकर सब्जियों के ऊपर छिड़क दें तो सब्जियां ताज़ी बनी रहती हैं। टिप नंबर चार, सुबह उठकर गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारा करने से सीना साफ हो जाता है। टिप नंबर पाँच, गुलाब के फूल की पत्तियां चबाने से खून की कमी दूर हो जाती है। टिप नंबर छः, बाजरे की रोटी दूध के साथ खाने से शरीर में ताकत आती है, तो बाजरे की रोटी ज़रूर खाया करें। टिप नंबर सात, सुबह खाली पेट सौंफ का पानी पीने से वज़न तेज़ी से कम होता है, इसका असर आपको 10 से 15 दिनों के अंदर ही दिखने लगेगा। टिप नंबर आठ, खाना खाने के तुरंत बाद फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए, इससे लीवर को नुकसान पहुंचता है। टिप नंबर नौ, अगर आप एक हफ्ते तक हरी मिर्च को भिगोकर उसका पानी पिए तो आपकी सेहत, स्किन और आँखों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। टिप नंबर 10, अगर प्रेगनेंसी के दौरान पेट पर दाग पड़ जाएं तो पालक का रस मिलाकर पेट पर मसलने, इससे दाग धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। टिप नंबर 11, अगर आप चाहते हैं कि मसाले किचन में जल्दी ख़राब ना हो तो उन्हें आप कांच के जार में रखें। टिप नंबर 12, ब्रेड को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए क्योंकि वह फ्रिज में रखने से सूख जाती है। टिप नंबर 13, साइकिल चलाने से हड्डियों में दर्द नहीं होता है और घुटने भी मजबूत होते हैं, तो आप 10 से 15 मिनट के लिए साइकिलिंग ज़रूर किया करें। टिप नंबर 14, मोटापा घटाने के लिए भोजन में गेहूं के आटे की जगह जौ या चने के आटे की रोटी का प्रयोग करें, काफ़ी लाभ मिलेगा। टिप नंबर 15, यदि आप पूरे दिन में 2 चम्मच पीनट बटर खा लेते हैं तो आपको पूरे दिन की प्रोटीन की ज़रूरत को पूरी करने में मदद मिलती है। टिप नंबर 16, यदि हम रात को चावल खाते हैं तो हमको नींद न आने की समस्या हो सकती है, तो रात में चावल का सेवन कम से कम किया करें। टिप नंबर 17, रात में जल्दी खाना खा लेने से आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। टिप नंबर 18, अजवाइन का चूर्ण दिन में 3 बार खाने से ठंड से आया बुखार उतर जाता है। टिप नंबर 19, सलाद को काटते समय उनकी सब्जियां तिरछी काटें, इससे इनका जूस बरकरार रहेगा और ये ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगी। टिप नंबर 20, अगर रोटी खाते वक्त मुंह में कड़वाहट लगने लगे तो जान लें बुखार हमला करने वाला है। टिप नंबर 21, रात को टाइट कपड़े पहनकर ना सोएं, रात को सादा ढीले कपड़े पहने, टाइट कपड़े पहनकर सोने से गैस की समस्या भी हो सकती है। टिप नंबर 22, बेसन के घोल में थोड़ी सी उड़द की दाल का पेस्ट मिला लेने से पकौड़ियों का स्वाद बढ़ जाता है। टिप नंबर 23, कोई भी सब्जी बनाते समय उसमें थोड़ी सी भुनी हुई काली मिर्च ज़रूर डालें, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है और पेट को भी स्वस्थ रखती है।
टिप नंबर 24, चेहरे के दाग धब्बे दूर करने के लिए दही में टमाटर के रस को मिला लें, फिर 10 मिनट के लिए चेहरे पर लगा लें और ठंडे पानी से धो लें। अगर आप 10 से 15 दिन ऐसा करते हैं तो असर देखने लगेगा और चेहरा निखर उठेगा। टिप नंबर 25, काली मिर्च और मिश्री बराबर मात्रा में पीस लें और प्रतिदिन 1 कप दूध के साथ दिन में 2 बार सेवन करें। इससे सेवन में दिमाग की कमजोरी दूर होती है और समकरण शक्ति बढ़ती है। टिप नंबर 26, जब किसी को चोट लगती है या घाव होता है तो जाहिर सी बात है उसमें से खून भी निकलता है। ऐसी स्थिति में घाव को फिटकरी के पानी से धो देना चाहिए। उसके ऊपर फिटकरी का चूर्ण बनाकर लगा दें। ऐसा करने से चोट से बहने वाला खून बंद हो जाएगा और राहत भी मिलेगी। टिप नंबर 27, आटा गूंथते समय उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा देसी घी ज़रूर मिलाना चाहिए। इससे रोटियां पौष्टिक बनती हैं और हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। देसी घी और हल्दी हमारी सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक भी होते हैं। टिप नंबर 28, भुने हुए चने खाने से शरीर में पूरा दिन ताकत बनी रहती है और ये दिमाग और आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। टिप नंबर 29, सुबह खाली पेट अजवाइन का पानी पीने से पेट की सारी गंदगी साफ हो जाती है। टिप नंबर 30, बॉडी स्क्रबिंग के लिए बेसन बहुत ही बेहतरीन और नेचुरल चीज़ है। नहाने से पहले बेसन में चुटकी भर हल्दी पाउडर और कच्चा दूध मिलाकर पेस्ट बनाएं। इससे बॉडी पर हल्के हाथों से रगड़ें जिससे डेड स्किन निकल जाती है और इसके चमक उठती है। इसके इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो साबुन लगाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टिप नंबर 31, सुबह खाली पेट थोड़ा सा पुदीना पानी में डालकर पीने से चेहरे की झुर्रियां और दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। टिप नंबर 32, रोज़ सुबह 1 काली लहसुन की खाएं। इससे आपकी हाई बीपी के साथ शरीर की कई बीमारियां दूर होंगी और लहसुन हमारे घर में आसानी से अवेलेबल भी होता है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य कार्य के लिए है, अवश्य अपनाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी बताई गई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। किसी भी डाइट, दवा या उपचार को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। ऐसी ही जानकारी और टिप्स की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआओं में आप हमेशा शामिल हैं। मेरे साथ इसी तरह बने रहिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द इसी तरह के किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।